गाइस कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज की वाली वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल के होने वाली है, क्योंकि गाइस आज की सारी वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इस टाइप की 3D टेक्स्ट बनाना सिखाने वाला हूं आपके पिक्सल लैब में। तो भाई वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर वॉच करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से नीचे जो आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन नजर आ रहा है ना, उसको दबा दो, ताकि आपको इसी तरह के एडिटिंग से रिलेटेड और भी मस्त वीडियो मिलते रहे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ को। तो गाइस सबसे पहले आपको अपना पिक्सल लैब ऐप ओपन कर देना होगा। फिर आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले लास्ट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना होगा यहाँ पर। फिर आपको इस इमेज साइज वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना होगा। देन कहीं कस्टम में ऊपर क्लिक कर यहाँ से आपको यूट्यूब थंबनेल वाला ये सिलेक्ट कर यहाँ से आपको ओके में क्लिक कर देना होगा। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आपकी साइज जो है यहाँ पर से इंक्रीज हो जाएगी। फिर आपको इस टेक्स्ट में आपको डबल क्लिक कर देना होगा। इस न्यू टेक्स्ट को आपको यहाँ से इरेज कर देना होगा, और यहाँ पर आपको आ जाना होगा सबसे पहले यहाँ पर आपको कोई भी आप अल्फाबेट का लेटर यहाँ पर टाइप कर सकते हो, पर एक ही होना चाहिए। तो इतना टाइप करने के बाद आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको इसकी साइज इंक्रीज कर देनी होगी, और इस तरह से आपको बीच वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना होगा, ये जो मतलब कि आपको नजर आ रहा है। तो इसमें क्लिक करने के बाद आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको इस तरह से नीचे आ जाना होगा। नीचे आ जाने के बाद फॉन्ट में क्लिक कर देना होगा। तो फॉन्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको ये वाला फॉन्ट सिलेक्ट कर देना होगा जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो गाइस ये आपको फॉन्ट सिलेक्ट कर देना होगा, ये वाला जिस पर मैं अभी आपको फिंगर साइन नजर आ रहे होगी। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना होगा कि यहाँ से ओके में क्लिक कर देना होगा। देन गई साइज आपको इस तरह से इसकी इंक्रीज कर देनी होगी, जैसे कि मैं फिलहाल कर लिया हूँ। तो इतना करने के बाद अभी आपको क्या करना होगा कि इसका कलर आपको ब्लैक कर देना होगा। इस कलर वाले आइकॉन पर क्लिक कर देना होगा, इसका कलर यहाँ से ब्लैक आपको सिलेक्ट कर देना होगा। तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको राइट में क्लिक कर देना होगा, और आपको क्या कहना होगा अभी इसको आपको कॉपी कर देना होगा। तो कॉपी कैसे करोगे, यहाँ से आपको एक कॉपी का ऑप्शन दिख रहा है, उसमें आप क्लिक करोगे, यहाँ से सिंपली आपका एक और पीस यहाँ पर से मतलब के बन जाएगा। फिर आपको क्या कहना होगा इसके मतलब यहाँ पर आर आपको टाइप कर देना होगा, जैसे कि मैं फिलहाल कर रहा हूँ। तो इतना करने के बाद आपको क्या कहना होगा कि इसको यहाँ पर आपको स्ट्रैप से रख देना होगा, जैसे कि मैं फिलहाल रख लिया हूँ। तो इसकी साइज आप अपने हिसाब से इंक्रीज कर सकते हो, पर मतलब के दोनों एक ही बराबर साइज की होनी चाहिए, जैसे कि मैं फिलहाल कर लिया हूँ। तो इतना करने के बाद आपको क्या कहना होगा कि इस मतलब के बीच वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना होगा, इस मतलब के शेप्स वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना होगा। यहाँ से आपको शेप आपको ये वाला सिलेक्ट कर देना होगा, ये वाला। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको राइट में क्लिक कर देना होगा। तो राइट में क्लिक करने के बाद अभी आपको क्या कहना होगा कि इसकी जो मतलब कि इस तरह से जैसे मैं भाई लगा रहा हूँ ना, इस तरह से आपको लगा देना होगा, जैसे कि मैं फिलहाल लगाने वाला हूँ। तो इस तरह से आपको कर फिर आपको इसके क्या करना होगा कि बीच मतलब कि बीच में इसको रख देना होगा, ये जो मैंने अभी शेप सिलेक्ट कर लिया हूँ। तो आपको बीच में सिलेक्ट करने के लिए सिंपली इसकी साइज़ पहले डिक्रीज कर देनी होगी, जैसे कि मैं फिलहाल करने वाला हूँ। तो आपको क्या करना होगा कि इसकी साइज डिक्रीज कर थोड़ा बहुत आपको इस तरह से इसको थिन कर देना होगा, और इसको लॉक करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको इसको लॉक कर देना होगा इस ऊपर वाले ऑप्शन में क्लिक करके। फिर आपको क्या करना होगा कि इस तरह से आपको अपना सेट कर देना होगा, फिर इस तरह से जैसे कि मैं फिलहाल कर ले आऊँ। तो इतना करने के बाद आपको क्या कहना होगा कि इसका भी कलर आपको कर देना होगा ब्लैक। ब्लैक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये हम ऐसे ही नहीं करें, बस इसका ब्लैक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो आपको ब्लैक करना ही पड़ेगा। फिर आप चाहो तो कलर मतलब कि चेंज करना सिखा दूंगा, वो भी इसी वीडियो में। तो वीडियो को भाई लास्ट तक ज़रूर वॉच करना। तो इसका कलर आपको यहाँ से ब्लैक कर यहाँ से राइट में क्लिक कर देना होगा। तो राइट में क्लिक करने के बाद अभी आपको क्या कहना होगा कि इस ऊपर वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना होगा, ये वाले में। फिर आपको क्या कहना होगा कि इन सभी को आपको इस वाले ऑप्शन में क्लिक कर इन सभी को आपको एक में मतलब कि मिला देना होगा। तो इस वाले ऑप्शन में क्लिक कर यहाँ से आपको ओके कर देना होगा। तो ये अभी आप देख सकते हो, ये जो टेक्स्ट है अभी एक ही बन चुका है, जो हमने मतलब कि एक पार्ट्स तीन पार्ट्स में डिफरेंट करे थे, वो आपको यहाँ पर एक ही पार्ट में अभी हो चुका है। तो अभी आपको क्या कहना होगा कि इसको कॉपी कर देना होगा इस कॉपी वाले ऑप्शन में क्लिक कर। तो आपको क्या कहना होगा कि इसके ऊपर ही आपको इस टाइप से मतलब के रख देना होगा। तो रखने के लिए सिंपली यहाँ से आपको पोजीशन वाला ऑप्शन देखने को मिलता है, उसमें आपको क्लिक कर देना होगा, और इसको आपको जहाँ मतलब के जैसे आप चाहते हो वो आप सेट कर सकते हो, जैसे कि मैं भी फिलहाल कर रहा हूँ। तो ये आपको सेट कर देना होगा जैसे कि अभी फिलहाल मैं कर लिया हूँ। तो इतना करने के बाद यहाँ से आपको राइट में क्लिक कर देना होगा, फिर इस वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना होगा। यहाँ से आपको क्या कहना होगा कि इसको लॉक कर देना होगा मतलब के सेकंड वाले को। फिर आपको क्या कहना होगा कि इस आई में आपको क्लिक कर देना होगा जाके ये नजर ना आए। तो फिर आपको इसी वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना होगा। फिर आपको क्या कहना होगा इस शेप्स वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना होगा, यहाँ से राइट में क्लिक कर देना होगा। फिर आपको क्या कहना होगा कि इस शेप का कलर आपको वाइट ही रख देना होगा, ये इस बात की आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होगा। फिर आपको क्या कहना होगा कि इसकी साइज़ इस तरह से इंक्रीज कर देनी होगी। फिर क्या कहना होगा कि ये जो हमने बीच में लाइन बनाई थी इसको कट करने के लिए, उसके बीच में मतलब कि इस तरह से बीचों बीच वाला ये जो मतलब कि वाइट है वो आपको रख देना होगा, बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, जैसे कि मैं फिलहाल
रख लिया हूँ। तो इतना रखने के बाद आपको थोड़ा बहुत इसको नीचे भी करना पड़ेगा, ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। तो डिफिकल्ट हुआ तभी तो अच्छा ही लोगो बनेगा ना भाई साहब। तो यहाँ से आपको राइट में क्लिक कर देना होगा। तो इसको अभी थोड़ा बहुत सेट कर मैं मिलता हूँ आपको यहीं पर 2 मिनट में। ऑल राइट, तो इतना करने के बाद आपको क्या कहना होगा कि इस ऊपर इस वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना होगा। तो इसमें क्लिक करने के बाद अभी आपको क्या कहना होगा कि इस वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना होगा और इन दोनों को आपको इस तरह से मिला देना होगा। जैसे कि फिलहाल दोनों में क्लिक कर दिया, फिर इस वाले ऑप्शन में क्लिक कर यहाँ से आपको ओके में क्लिक कर देना होगा। तो ओके में क्लिक करने के बाद आपको फिर से मतलब इसको इसी वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना होगा और इसको जो हमने दोनों मिला दिए थे उसको आपको इस तरह से आई में क्लिक कर यहाँ से आपको इनविजिबल कर देने होंगे। फिर आपको क्या करना होगा कि दूसरे को हमने जैसे मतलब पहले इसे इनविजिबल कर लिए थे उनको आपको ओपन कर देना होगा, जैसे कि मैं फिलहाल कर लिया हूँ। तो इतना करने के बाद सेम टू सेम प्रोसेस आपको भाई इस पर भी कर देना होगा, इस वाले शेप्स वाले ऑप्शन में क्लिक कर जहाँ से आपको राइट में क्लिक कर देना होगा। तो राइट में क्लिक करने के बाद इस बार आपको इस तरह इसके नीचे इस टाइप से रख देना होगा। पहली बार हमने ऊपर रखा था क्योंकि ऊपर वाला पार्ट को हमको मतलब के कट करना था, अभी आपको नीचे वाले पार्ट में रख देना है जैसे कि मैं फिलहाल रख रहा हूँ। तो इतना करने के बाद इसके पोजिशन वाले ऑप्शन में क्लिक कर इसको भी आपको उसी तरह से सेट कर देना होगा। तो इतना करने के बाद आपको क्या कहना होगा कि अभी इसको भी आपको दोनों को ये मतलब के दोनों को मिला देना होगा जैसे कि उसको मैंने पहले हमने मिला दिया था। फिर आपको क्या कहना होगा कि नीचे इस तरह से आते जाना होगा और एक इरेज कलर का ऑप्शन देखने को मिलता है, उसमें आपको क्लिक कर देना होगा। तो इसको आपको इनवेल्ड को आप जैसा ही ओपन करोगे तो यहाँ पर से ये जो वाइट हमने सेलेक्ट करा था वो यहाँ पर से हट जाएगा। तो इस तरह से आपको नीचे आकर इरेज कलर इसको ओपन कर देना होगा। तो ओपन करने के बाद आपको यहाँ से क्या कहना होगा कि यहाँ से आपको राइट में क्लिक कर देना होगा। तो राइट में क्लिक करने के बाद सिंपली आपको इसको भी ओपन कर देना होगा जैसे कि मैं फिलहाल कर लिया हूँ। फिर ऊपर वाले को आपको लॉक कर देना होगा कुछ इस टाइप से। फिर इसको सिलेक्ट कर फिर आपको क्या कहना होगा कि इरेज कलर में सेम टू सेम और इसको भी ओपन इनवेल्ड को ओपन कर देना होगा। अल्ट्रॉन रेंज जो है आपको ये 100 मतलब कि 70 कर देनी होगी। फिर आपको इसी तरह से टॉलरेंस उसकी जो आपको है वो भी आपको 17 कर देनी होगी जैसे कि मैं फिलहाल कर लिया हूँ। फिर आपको यहाँ से राइट में क्लिक कर देना होगा और आपको किसी एक पार्ट को ऊपर वाले पार्ट जो है ना उसको आपको अभी आप उसको मतलब के कट कर सकते हो बीच में, अभी आप देखना। फिर आपको क्या कहना होगा कि इस पोजीशन वाले ऑप्शन में जाना होगा। तो जाने के बाद आपको इसको इस तरह से ऊपर कर नीचे कर देना होगा। तो जैसे ही आप नीचे कर दोगे तो यहाँ से ये जो है बीच में से कट हो जाएगा जैसे कि अभी भी आप देख सकते हो। वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो जैसे भी आप चाहो, वो आप अपने हिसाब से जैसे चाहो वो आप कर सकते हो। तो इतना करने के बाद आपको क्या कहना होगा कि यहाँ से इसको मैं सेट कर देता हूँ जैसे पहले था। तो इतना करने के बाद आपको क्या कहना होगा कि यहाँ से आपको राइट में क्लिक कर देना होगा। तो राइट में क्लिक करने के बाद अभी आपको क्या कहना होगा कि इस शेप्स वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना होगा। इसका कलर आपको इस तरह से नीचे आकर ब्लैक सेलेक्ट कर यहाँ से आपको राइट में क्लिक कर देना होगा। तो गाइस राइट में क्लिक करने के बाद आपको क्या कहना होगा कि इस तरह से नीचे आकर और इसकी मतलब कि इस तरह से इसको मतलब कि जी मतलब कि हमारा जो नीचे वाला पार्ट है उस पर इस तरह से कर देना होगा। फिर आपको इस वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना होगा यहाँ से इस वाले ऑप्शन। फिर आपको मतलब कि इन दोनों को आपको यहाँ पर से मिला देना होगा जैसे कि मैं भी फिलहाल मिला दिया हूँ। तो इतना करने के बाद आपको क्या कहना होगा कि सिंपली आपको सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या करना होगा। फिर इस तरह से आपको नीचे आ जाना होगा, इस टेक्सचर वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना होगा। गैलरी से आपको एक गोल्डन PNG सेलेक्ट कर देना होगा। तो वो मैं सेलेक्ट कर मिलता हूँ 2 मिनट में। तो ओके, तो गाइस अभी ना फिलहाल आप देख ही पा रहे होंगे कि मैंने सेलेक्ट कर लिया हूँ। फिर आपको यहाँ से राइट में क्लिक कर देना होगा। तो राइट में क्लिक करने के बाद आपको इसकी स्केल है ना आपको इस तरह से 205 कर देनी होगी। देन गए यहाँ से आपको राइट में क्लिक कर देना होगा। तो राइट में क्लिक करने के बाद आपको क्या कहना होगा कि इसको आपको लॉक कर देना होगा अभी के लिए लॉक कर फिर आपको क्या करना होगा अनलॉक कर ऊपर वाले को लॉक कर देना होगा। देन गए जिससे सेम टू सेम प्रोसेस कर देना होगा, शेप्स वाले में जाकर इसका कलर ब्लैक कर देना होगा और इसको ऊपर वाले पार्ट में इस तरह से मतलब के कर देना होगा जैसे कि मैं फिलहाल कर लिया हूँ। तो इतना करने के बाद यहाँ से राइट में क्लिक कर देना होगा, फिर इस वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना होगा। इसको मतलब कि इन दोनों को भी अभी आपको मिला देना होगा जैसे कि मैं फिलहाल मिला लिया हूँ। तो इतना करने के बाद यहाँ से आपको क्या कहना होगा, इस तरह से नीचे आकर यहाँ से टेक्सचर वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना होगा। यहाँ से गैलरी से आपको एक आयरन का बैकग्राउंड सेलेक्ट कर देना होगा। तो वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ऑल डन। तो इतना करने के बाद यहाँ से आपको राइट में क्लिक कर देना होगा। तो राइट में क्लिक करने के बाद इसकी जो आपको स्केल है वो भी आपको इस तरह से बढ़ा देनी होगी जैसे कि मैं फिलहाल बढ़ा लिया हूँ। तो यहाँ से राइट में क्लिक कर देना होगा। तो राइट में क्लिक करने के बाद अभी आपको इसी वाले ऑप्शन में क्लिक कर इन दोनों को आपको अपने मतलब के दोनों को एक PNG बना देना होगा जैसे कि मैं फिलहाल बना लिया हूँ। तो इतना करने के बाद आपको क्या कहना होगा कि अभी आपको इसको यहाँ पर छोड़ देना होगा और यहाँ से लास्ट वाले ऑप्शन में जाकर यहाँ से फ्रॉम गैलरी में आपको क्लिक कर देना होगा। तो इसमें क्लिक करने के बाद एक आपको बैकग्राउंड सेलेक्ट कर देना होगा जो भी आप इस पर लगाना चाहते हो। तो वो वाले सेलेक्ट कर मिलता हूँ आपको 2 मिनट में।
ओके तो गाइस अभी ना फिलहाल आप देख ही पा रहे होंगे कि मैंने ये वाला बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लिया हूं, तो यहां से आपको राइट में क्लिक कर देना होगा। तो राइट में क्लिक करने के बाद इसी वाले टेक्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना होगा, बीच वाले में क्लिक कर यहां से आपको इस तरह से फुल्ली नीचे आ जाना होगा कुछ इस टाइप से। फिर आपको शेडोज वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना होगा, शेडोज आपको ओपन कर देने होंगे और ब्लर स्किन आपको इस तरह से कर देनी होगी, वाई एक्स आपको कुछ इस टाइप से कर देनी होगी और मतलब के ऑफसेट वाई इस तरह से करके यहां से आपको राइट में क्लिक कर देना होगा। तो राइट में क्लिक करने के बाद अभी आपको इस 3D वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना होगा, इसको ओपन कर देना होगा और आपको इसकी डेप्थ जो है वो आपको कुछ इस टाइप से सेट कर देनी होगी और इस तरह से कर फिर आपको क्या करना कि इस तरह से नीचे आकर डार्कनेस आपको इसकी थोड़ी बहुत ही मतलब कि इस तरह से कम कर देनी होगी और आपको बस इतना कर यहाँ से आपको इस वाले कलर्स को आपको इस तरह से कुछ कर देना होगा और शेडोज भी आपको थोड़ी बहुत बढ़ा देनी होगी जैसे कि फिलहाल बढ़ा रही हूँ। फिर आपको यहाँ से राइट में क्लिक कर देना होगा और इसी 3D रोटेट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना होगा और इसको मतलब कि आपको इस तरह से कुछ कर देना होगा, तो इसको नहीं नीचे वाले को आपको कर देना होगा, इसको आपको यहीं पर छोड़ देना होगा, फिर आपको इस तरह से कुछ कर देना होगा जैसे कि मैं फिलहाल कर लिया हूं। तो इतना करने के बाद यहाँ से आपको राइट में क्लिक कर देना होगा, तो राइट में क्लिक करने के बाद अभी आप देख सकते हो कि आपका लोगो यहाँ पर रेडी हो चुका है जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा कूल और एपिक सा लग रहा है। तो गाइस आज की सो वीडियो अब नहीं, आई होप आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना ताकि आपको इसी तरह के एडिटिंग से रिलेटेड और भी मस्त वीडियो मिलते रहें। बाकी हैं गाइस आज की सो वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।